नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। फ्रिज हमारे डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी सी लगने लगती है। भोजन को स्टोर करने और इसे फ्रेश रखने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। तमाम फूड आइटम्स की तरह हम गुथा हुआ आटा भी इसी में रखते हैं, ताकि वक्त पड़ने पर तुरंत निकालकर रोटियां पकाई जा सके। लेकिन कई बार हमने देखा है कि फ्रिज में रखने के बावजूद आटे में फंगस लग जाता है या ये काला पड़ने लगता है। ऐसे में अगर आप आटे को खराब होने से बचाना चाहते हैं, तो कुछ आसान किचन हैक्स आजमा सकते हैं और जान सकते हैं कि गुथे हुए आटे को स्टोर करने का सही तरीका क्या है। तो आपको बता दें, इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें। आमतौर पर लोग खुले बर्तन में आटा रखकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आप अगर आटे को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये कड़ा नहीं होगा और रोटियां भी नरम बनेंगी। इसके अलावा गुनगुने पानी से आटा गूंधे। आटे को अगर गुनगुने पानी से गूंधेंगे तो ना सिर्फ इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएंगे, बल्कि आटा सॉफ्ट रहेगा। अब आप इसे फ्रिज में रखें तो फंगस लगने का खतरा काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा आटे में मिक्स करें नमक। नमक एक बेहतरीन नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। कई सारे पैक्ड फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि रात को ही आटा गूंद कर फ्रिज में रख लें, ताकि सुबह ऑफिस या स्कूल जाते वक्त हड़बड़ी ना हो, तो ऐसे में आटे के साथ थोड़ा नमक मिला लें। ऐसा करने से माइक्रो बैक्टीरिया की ग्रोथ धीमी हो जाती है और आटा लंबे वक्त तक खराब नहीं होता। इसके अलावा आटे पर ऑयल लगाएं। आपने अक्सर 5-स्टार शेफ के वीडियोस में देखा होगा कि वो आटा गूंदने के बाद उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल या घी लगा देते हैं। इससे आटा ड्राई नहीं होता और काला भी नहीं पड़ता। अगले दिन जब आप इससे रोटियां बनाएंगे तो ये मुलायम बनेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।